राम राम सारे भाइयों को, क्या हाल चाल मेरे भाइयों की। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई लोग होंगे बढ़िया मज़े में होंगे। और भाई लोग आज की वीडियो को एंड तक देखना, कहीं स्किप मत करना। आजकल बड़ी हरामखोरी चल रही है, स्किप पे स्किप कर रहे हो वीडियो, पता लग जाता है, सब कुछ तो मत करना। आज मैं इंस्टाग्राम मॉडल को, पिछली बारी मैंने शायद बिरा बेची थी आपने देखा होगा, तो आज मैं बिरा लाना भूल गया हूँ, तो आज मैं बेचने वाला हूँ उसको सेक्स ट्राई। तो सेक्स ट्राई मेरे पास है नहीं क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है, तो आज जो हमारे पास सेक्स ट्राई हम बेचने जा रहे हैं ना, वो बेचने जा रहे हैं बिल्कुल ऑटोमेटिक, मतलब रखो और अपने आप काम करेगा। तो उसके लिए हमने बुला रखी है एक मॉडल, तो मॉडल आ चुकी है अपनी लोकेशन पे, अब जा रहे हैं हम लड़की के पास। तो वीडियो को देखना एंड तक, क्या प्यारे रिएक्शन आने वाले हैं क्योंकि मैं बकचोदी करने वाला हूँ पूरी एंडलेस। तो वीडियो को देखना एंड तक, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हाय जुई। हाय जुई। हाय, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बैठ जाओ। आपको कोई और जगह नहीं मिली? क्यों, मतलब ये काफी ऊपर है। ओके, कोई बात नहीं। आप कैसे ऊपर आ गए? मतलब आप तो मेरे से छोटे लग रहे हो ना। बस ये मेरी स्ट्रेंथ और कुछ स्पोर्ट्स का कमाल है। अच्छा, सही लग रहे हो यार आप तो। ओके, वैसे मेरी गर्लफ्रेंड आपसे काफी अच्छी है। ओके, हाँ जी, वो भी मॉडल है, बट वो ना वो छोटी मोटी चीजें बेचती नहीं, तो जब भी उसने मेरे को आपका, मतलब जानते होगे भाविका को, नहीं जानते? हाँ। तो आप किसी और फ्रेंड के थ्रू आए हो या? नहीं, मैंने देखा है एक दो पिक्चर्स में। तो आपको लगता नहीं है कि वो आपसे अच्छी है? मतलब यू नो, हर किसी के एक अलग अलग टैलेंट होता है। नहीं, टैलेंट तो होता है। किसी का फेस कट अच्छा है, वो भी क्यूट है, मतलब क्यूट नहीं, वो काफी स्मार्ट है, अच्छी है, क्यूट है, बट बहुत अच्छी है। मतलब अगर आपका और उसका कंपेयर, मेरे को लगा कि शायद उससे भी कोई अच्छी लड़की आएगी, मेरे को नहीं पता था कि आप आओगे। मतलब मैंने आपका कोई प्रोफाइल वगैरह नहीं देखा था ना। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? सीरियसली? हाँ जी, नहीं देखा। मेरे 95K फॉलोअर्स हैं। नाइस, बट मेरी गर्लफ्रेंड के आपसे ज़्यादा हैं, 120K। बट वो छोटे मोटे काम नहीं करती यार, ये दिक्कत है ना, नहीं तो मेरा तो फ्री में काम हो जाता। वो छोटे मोटे, मतलब के आप करते हो 95K, आपको कम लग रहा है? नहीं तो 100K के बाद थोड़ी औकात चेंज हो जाती है ना, मैंने सुना है। मतलब के, मतलब 100K की एक अलग सी फील होती है ना। okay. समझ रहे हो? तो हाँ, तो अभी एक दो मैं पिक्चर्स पोस्ट करूंगी। अभी तक तो नहीं है ना, मतलब पीछे ही है ना, हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और से मुझे नहीं लगता एक दो दिन भी लगे, हो सकते हैं, यू नो, कभी भी हो सकते हैं। वो आपके पूरे रियल है या वो बोट फॉलोअर्स हैं आपके पूरे? ऑफ कोर्स रियल। कितने लाइक आते हैं आपके एक फोटो पे? काफी लाइक्स आ जाते हैं, यू नो, 1 लाख समथिंग लाइक, मतलब 90 वो फिर बोट ही होंगे ना, मतलब आपके कैसे होंगे 95? आप तो कैसे कह सकते हो बोट होंगे, यू नो, रियल है वो। और फॉलोवर्स में फर्क होता है। अच्छा, तो आप मेरे को सिखाओगे लाइक? और मेरा कंटेंट आ जाता है, वो लाइक्स करते हैं। मतलब हमारे यूट्यूबर के अगर 20,000 फॉलोअर होते हैं तो आते 4-5,000 हैं वो रियल होते हैं। 20% होता है ना, तो आपके पास कैसे 100% से ज्यादा? आप कैसे कह सकते हो बोट? एक्चुअली वो बोट नहीं है, वो मेरे खुद के फॉलोवर्स हैं। जानते हैं आपको सारे? हो सकता है, कौन किसको जानता है? अच्छा, ऐश्वर्या को सब जानते हैं, लेकिन कोई उसकी सिस्टर को जानता है, कोई उसके ब्रदर को जानता है? जानता हूँ मैं। फॉलोवर्स उनके भी है ना, बट वो तो बोट रखते हैं ना, वो तो एक तर, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपके फेक है तो आप मेरे को बता दो, क्योंकि ब्लॉगर ने ना, मैंने आधे ज्यादा सुना है कि आधे ब्लॉगर फेक होते हैं, तो मेरे को कोई फेक वाला काम नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है ना बहुत काम का है, मतलब वो लड़कियों के इतने काम का है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा कितने काम का है, लड़कियों के इतने काम का है, अगर लड़की शादी ना करे ना तब भी वो उस प्रोडक्ट से अपना काम पूरी जिंदगी चला सकते हैं, इतनी खुशी है और इतने अच्छा प्रोडक्ट है। वाओ, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट? लास्ट टाइम हमारा प्रोडक्ट जो था ना, वो हमारी, मतलब आपने देखा होगा ना, मतलब मार्केट में काफी कम ही रेड कलर की बिरा बिकती है, उसका कुछ रीजन है कि वो कहते हैं कि अच्छा? महंगी होती है, सुना होगा आप तो। हाँ, लड़की वो हो, एक्सपेंसिव होती है ना, तो रेड कलर की बिरा में ना काफी दिक्कत आ रही थी, तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ डिस्कशन करी कि, मतलब मैंने उसको बोला कि मैं नया प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो क्या करूँ, तो उसने मेरे को एडवाइस दी कि आप ना रेड कलर की बिरा बेचो, सस्ते में बेचो, और वो वाली आती है ना, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टी वाली को क्या कहते हैं, जो होती है। हाँ, पैडेड, और उसमें फोम टाइप का क्या होता है? हाँ, वो पैरेड होती है। पैरेड, हाँ, तो वो काफ़ी महंगी बिकती है, उसने मेरे को बोला था, तो उसने कहा कि हम इसको ना उसके अंदर, हमें वो जो खेती में नहीं होते, वो वाले अपना खेत नहीं होती सूखी सूखी सी, जो आटे वाला नहीं होता, वो उसको क्या कहते हैं, आटे वाला, अरे गंदुम क्या कहते हैं उसको, आपको पता है वो आटा किससे निकलता है? गेहूं से। गेहूं का जो वो नहीं होते पन्ने, मतलब गेहूं का जो एक्स्ट्रा, हमने पेट के उसको क्या कहते हैं, बिरा वाले उसको क्या कहते हैं,
पैरेट जो पैरेट की जगह पे हमने वो गंदम मतलब क्या लगाया था वो किससे निकल जो गेहूं से जो निकलते हैं वो जो बच्चे हुए हाँ। वो हमने वहाँ पे लगाया और उसमें ना मतलब किसी को पता नहीं लगा और अच्छे तरीके से बिक्री। और मैंने ना एक पागल से ब्लॉगर बुलाई थी सस्ती सी अच्छी सी जो होड लगती है छोटे छोटे कपड़े पहनती है उसको हमने वो वाली ब्रा पहनवा के वो वाली फोटो पोस्ट करवा दी वो हमारी आज तक बिक्री है और किसी को ये भी नहीं पता। आप मतलब सच कह रहा हूँ आपको हम तो चूतिया बनाते हैं हमेशा ऐसे ही। ओके बट मेरा ऐसा काम नहीं है मेरे जो भी है जो भी प्रोडक्ट तो आप बिरा तो हमारी चल रही है हमें बिरात का तो प्रमोशन कराना ही नहीं है तो ब्रा का तो मैं नहीं कर सकती नहीं आप करवाना भी नहीं है ना आप मतलब चल ही रही है तो हम पैसे क्यों अपने इन्वेस्ट करेंगे ना ब्रा नहीं कर सकती बट मतलब वो हमारी है भी 36 साइज की तो आप मेरे को इतने बड़े भी नहीं लग रहे हैं ना तो इसीलिए हमने 36 वाली मॉडल ढूंढी थी है ना। तो अच्छा एक बात बताओ तो आपके मतलब प्राइस वगैरह क्या है मेरे को कुछ आइडिया मिले। एक दो फोटोज और नहीं मैम हमें कम से कम 3 फोटो 2 स्टोरी के पैसे बताओ क्योंकि लोगों को पता भी तो लगना चाहिए ना कि ये रियल है। अब 2 फोटो से थोड़ी ना पता लगता है यार ये भी तो देखो 3 फोटो 2 स्टोरी के पैसे बता दो कितनी मतलब आपकी औकात है। 30,000 समथिंग चार्ज करती हूं 2 फोटोज नहीं नहीं 3 फोटो मैम मेरी सुनो ना 3 फोटो और 2 स्टोरी कुछ एक्स्ट्रा लगेंगे कितने आप वो बताओ ना एक्स्ट्रा लगेंगे एक फोटो के ज्यादा नहीं आपके फॉलोअरों के हिसाब से। ओके ज्यादा लग रहे हैं आपको ये तो इवन कम है ये कम है बट वो देखो ना हमने वो प्रोडक्ट अभी नया नया स्टार्ट अच्छा, करा है। गर्लफ्रेंड कितना चार्ज करती है? गर्लफ्रेंड तो मेरे छोटे अगर वो मैम वो ऐसे छोटे काम ही नहीं करती वो सिर्फ बढ़िया बढ़िया चीज है ऐसी फॉलोवर बढ़ गए हैं वो छोटे काम नहीं करती आप समझ नहीं रहे सेलिब्रिटियों के साथ मेकअप शूट वगैरह करती है वो तो अभी तक आपको मेकअप शूट वाला आपका फेस कट ही नहीं है तो आपके साथ हो ही नहीं सकता ना तो आप अपनी मेरी गर्लफ्रेंड को अपने साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते ना वो खाती है बिस्किट आप खाते हो मट्ठी तो फर्क है ना नहीं है फर्क पर मैं मट्ठी नहीं खाती। अच्छा तो मतलब कुछ भी खाते होगे मतलब समझ नहीं रहे उसकी टट्टी आती है पीली आपकी आती होगी काली ऐसे टाइप का समझ लो मतलब वो इतनी मॉडल है यार मतलब मॉडल आपने मतलब आपने मैंने सुना है कि मैंने यार गर्लफ्रेंड है सारी बातों की पता है मतलब मैंने सुना है कि जो नहीं कर लिया टेस्ट तो नहीं किया प्यार में कुछ भी कर अच्छा वो चीजों में आप पर्सनल क्यों हो रहे हो यार आप पर्सनल क्यों हो रहे हो वो मेरा और उसका मैटर है ना तो आप कुछ कम कर सकते हो कुछ कम नहीं कर सकते मेरा प्राइस फिक्स तो अच्छा मेरे को एक वीडियो चाहिए उसमें वीडियो चाहिए जिसमें आप मतलब बताओ जैसे नहीं होता ब्लॉगर कहते हैं कि हाय गाइस मेरा नाम ये है और मतलब ये सारा प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ वैसे टाइप का जैसे मैंने बिरा का करवाया था ना तो लड़की ने क्या करा था कि हाय गाइस आज मैं आपको एडवांटेजेस बता दूंगी एक वीडियो मैं बना दूंगी वीडियोस तो मैं उसमें शूट करती हूँ आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी 2 फोटोज और एक वीडियो के मैं 30,000 चार्ज करती हूं ठीक है और आपका जो ब्रांड है मैं उसको प्रमोट कर दूंगी ठीक है कितना हेल्दी है कितना यूजफुल है यूजफुल तो बहुत ज्यादा है बताया कि आप शादी नहीं करोगे अगर कोई लड़की शादी नहीं भी करती तो भी उसके लिए काम वाली चीज है आजकल फेमिनिज्म का इतना ट्रेंड है लड़कियां शादी ही नहीं करना चाहती है ना तो वो आपके काम का आप करना चाहते हो मतलब आप उसमें यूज करके दिखाओगे कि मतलब कैसे यूज करते हैं उसका फायदा बताओ मैं मेकअप प्रोडक्ट यूज करके हाँ 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 मतलब उसमें पूरा यूज करके बताना है ठीक है फिर तो आप मेरे काम के लिए परफेक्ट हो। तो हमारे जो प्रोडक्ट का नाम है ना आपने सुना होगा सेक्स टॉय सॉरी सेक्स टॉय नहीं होते सेक्स टॉय हमारे में ना फायदा है उसमें वाइब्रेशन भी है पागल हो गए हो सेक्स आई मीन मैं इनका नहीं करती हूँ सॉरी मैं नहीं करती हूँ ऐसे प्रोडक्ट का आप बोल भी नहीं पा रहे क्या सेक्स टॉय में ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं करती हूँ क्यों मतलब आप मेरे साथ यहाँ पे टाइम पास कोई भी ना करने आए हो मैं कब टाइम पास मैं तो नहीं कर रही हूँ ना टाइम तुम आप प्रोडक्ट करते हो ना प्रमोट तो प्रोडक्ट करती हूँ बट मैं ऐसे मेरी फ्रेंड ने बोला था तो आप करोगे कुछ भी नहीं करती हूँ तो उसमें क्या दिक्कत है मतलब देखो कोई लड़की अगर शादी नहीं करती मान लो कोई लड़की शादी नहीं करती सेक्स टॉय अगर वो यूज करती है तो उसको शादी करने की जरूरत भी तो नहीं है कौन शादी देखो कल के दिन तुम शादी नहीं करोगी तो सेक्स टॉय की जरूरत तुम्हें भी तो पड़ेगी अब देखो तुम्हें पड़ेगी तो बहुत सारी लड़कियों को भी तो बताओ मैं देखो आपको पता है क्या वीडियो बनानी है मैं बता देती हूँ आपका नाम क्या है जुई हाँ नाम है तो आपको पता है क्या करना है उसमें वीडियो में बोलना हाय गाइस मैं जुई बोल रही हूँ और आज तक मैंने कोई शादी देखो मैं बता तो सुन तो लो एक मिनट सुनो हाय गाइस मैं बोल रही हूँ जुई और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है सेक्स टॉय और मैंने शादी नहीं करी जैसे आपको पता है तो मैं हमेशा अपने सेक्स टॉय से मतलब ऐसे करके वीडियो बनानी मैं नहीं करती हूँ सॉरी मैं ऐसे वीडियो प्रमोट नहीं क्यों यार मैं नहीं करती हूँ मैं ऐसे वीडियो नहीं करती हूँ क्या दिक्कत है मतलब पैसे मिल रहे हैं हर चीज पैसों से नहीं होती मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ सॉरी तो मेरे को आप फालतू ही लग रहे थे स्टार्टिंग से और फालतू ही हो
मैंने बोला भी था अच्छी लड़की भेजना जो काम करती Seriously? हो सो आपने खुद बोला हम वीडियो बनाते हैं मेकअप की तो वो भी तो टॉय है आपको प्रमोट करने से मतलब है आपको डिफरेंस है मेकअप और टॉय आपको देखो वो भी 30,000 देते हैं मैं भी 30,000 दे रहा हूँ तो मेकअप करती है तो लड़कियाँ जो शादी नहीं करती वो टॉय भी तो यूज करती टॉय बना क्यों है जो लड़कियां शादी नहीं करती टॉय लेती नहीं इसका नाम तक भी नहीं पता लोग अभी भी मतलब हेजिटेट करते हैं इसका नाम लेने में अच्छा सुन दो तो इतना ओपनली पब्लिकली इसका नाम अरे जी मैम हमारा प्रोडक्ट है आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में बुरा क्यों कह रहे हो मैं तो कल यहाँ पे बोर्ड लगवाने वाला हूँ बड़ा सा 6x8 inch का ऐसे करके आप ऐसी बात देखो वाइब्रेट होता है यूं हिलता है आप पागल हो गए आपने देखा लड़की मतलब कोई सुसु करता है तो आता है तो वो ज़ करेगा देखो मैं ऐसे देखो सुनो तो सही मेरी बात सुनो जैसे आप मेकअप का कह रहे हो ठीक है वो प्रोडक्ट है ठीक है तो वो भी तो प्रोडक्ट ही है बट वो प्रोडक्ट अच्छा देखो सुनो वो एक मिनट वो बना क्यों है मैं नहीं कर सकती अच्छा आप नहीं कर सकते वो बना क्यों है बट मैं नहीं देखो उनके लिए देखो बना है तो उसका मतलब बिकता होगा तो लोग प्रमोट करते होंगे तो बहुत सारी चीजें बिकती है बट नहीं देखो नहीं वो कॉन्डम चीजें अलग हो गई हमें तो सेक्स टॉय बेचना है ब्रो अब आप कर सकते हो नो नहीं कर सकते हो तो बैठे क्यों यहाँ पे ब्लॉगर हो यूट्यूबर तो नहीं हो ना निकलो तो ब्लॉगर ज्यादा निकलो मेरे को पता है अच्छा कैरी मनाटी की वीडियो देखी टिकटॉकरों की बेइज्जती अब ब्लॉगरों की होने वाली चुपचाप निकलो आप बैठे थे यहाँ पर आप जाओ मीटिंग में आप आए थे मीटिंग बट आप आके बैठे प्रोडक्ट आप नहीं ले रहे हो ना तो यही बैठे रहो सरती आपके लिए यही जगह ही परफेक्ट लग रही है मेरे को थैंक यू क्या क्या मतलब होता है मतलब मेरे को पता होता है फालतू लड़की आ रही है ये मॉडल है मतलब इतनी गंदी सी मूछें निकल रही है मॉडल की ये वाली मॉडल मेरे को पता होता तो मैं आता भी नहीं सच्ची कह रहा हूँ मतलब इतनी बोरिंग सी लग रही हो तुम्हारी शक्ल देख के ना कोई तुम्हें मॉडल बोल ही नहीं सकता अगर कोई भी किसी को तुम बोलोगे ना मॉडल तो तुम्हें पता है क्या बोलेगा पूछो तो सही क्या तुम्हें बोलेगा बोलो हाँ और तुम बोलोगे हाँ और वो थूकेगा तुम मॉडल लग रही हो सीरियसली नहीं हाँ जी ये तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोलना लिसन तुम ना सुनो तुम ना मेरी गर्लफ्रेंड के साथ उस पे सूट हंस के मत दिखाओ प्लीज मेरे साथ काम नहीं कर रही हो तो हंस के मत दिखाओ चुड़ैल सी लग रही हो समझ आ रही है थैंक यू सो कभी टट्टी खाई है तुमने खाई है कुत्ते की टट्टी खाना सही हो जाओगी प्रोडक्ट बेचने लग जाओगी गंदी सी लग रही हो इतनी चुड़ैल सी लग रही हो पागल सी लग रही हो ब्रेड के बीच में कुत्ते की टट्टी डाला करो ठीक है और ज्यादा प्रोटीन की जरूरत हो ना तो वो लेके आया करो वो अपना उसको गधे का पेशाब वो पिया करो बहुत गाढ़ा होता है ऐसी मॉडल मेरे को पता होता ना आ रही है तो है थू तुम्हारी शक्ल पे मेरे को पता नहीं था कि तुम हो अरे ऐसी मॉडल अगर होती तो मेरे को पता लगता ना तो मैं घोड़े को लेके आता साथ अपने है थू तुम्हारी शक्ल पे ए सुन लड़की मैं तेरे को एक बात बताने आया हूँ समझ से आ गए सुन तो ले फिर से आ गए सुन तो ले अरे सुन तो ले मेरी बात मैंने बोला मुझे कुछ नहीं सुनना अच्छा, सुन तो ले अच्छा प्यार बहुत अच्छी लग रही है सुन तो ले मजाक कर रहा था मतलब चुड़ैल नहीं लग रही सच में बहुत अच्छी लग रही है मैंने तुम्हें ना चुड़ैल बोल के गलती कर दी मुझे माफ कर दो एक्चुअली आपको जिस फ्रेंड ने भेजा आपको बताया था कि मैं यूट्यूबर हूँ और प्रैंक वगैरह करता हूँ बोला था उसने सॉरी बताया नहीं बताया था एक्चुअली मैं ना यूट्यूबर हूँ आपको मैंने सिर्फ प्रैंक शूट के लिए बुलाया था कि आपको मतलब थोड़ा रिएक्शन देखते हैं टॉय के लिए क्या वो देखो हमारा कैमरा लगा हुआ है गाड़ी के अंदर एक बार आएगा एक बार अच्छा ब्लॉगर हो ना एक बार हाय तो करो अच्छा एक बार हाय तो करो मतलब आप यूट्यूबर और ब्लॉगर को कंपेयर कर रहे थे बीच में देखो माफ पीछे हो जाओ कहीं नुकसान में जाओगे वैसे आपके यहाँ पे आने के जो चार्जेस है मीटिंग के वो मैं पे कर दूंगा अगर आप चाहो तो नहीं मुझे नहीं चाहिए लिटरली बहुत गंदा था मतलब गर्लफ्रेंड से कंपेयर किसी का तो कंपैरिजन होता ही नहीं होता नहीं मैंने कहा यार देखो मैं मतलब प्रैंक करने आया था ना अरे मेरी माता तो मैं थोड़ा मस्ती मजाक करने आया था है बहुत आई थिंक बहुत ऑकवर्ड था मतलब रिएक्शन देख रहे थे कि इंडियनों के ऐसे क्या रिएक्शन आते हैं क्योंकि आजकल वो देख रहे हो ना नहीं है ब्रो आप तो बहुत अच्छे हो हाथ तो मिलाओ मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे बॉयफ्रेंड आप बहुत अच्छे हो एक बार हाय कर दो यार आपका बॉयफ्रेंड भी है हां है मतलब बड़ी गलती कर दी उसने आपका मतलब वो सॉरी मजाक कर रहा था मजाक कर रहा एक बार हाय कर दो तो गिर जाओगे पीछे टू बैड मेरे अब तक का सबसे बुरा था ये